हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एग्जाम अड्डा 24x7 में। मैं सागर आज आपको कॉमनवेल्थ गेम 2018 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, जो कि बैंक, एसएससी और रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1930 ईस्वी में। कॉमनवेल्थ गेम 2018 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसे किया गया गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में इसे किया गया। ठीक है, 2018 में कौन सा वह कॉमनवेल्थ गेम आयोजित किया गया? यह था 21वां कॉमनवेल्थ गेम। 21वां किस खिलाड़ी ने 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे ज्यादा पदक जीते? मनिका बत्रा ने 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे ज्यादा पदक जीते। 21वें कॉमनवेल्थ गेम का शुभंकर मास्कॉट क्या था? यह है बोरोबी, BORO BI, बोरोबी। कॉमनवेल्थ गेम 2018 का मोटो क्या था? इसका मोटो है शेयर द ड्रीम। इसका मोटो है 21वें कॉमनवेल्थ गेम में पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? सबसे पहले स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे स्थान पर है इंग्लैंड और तीसरे पे है भारत, इंडिया। 21वें कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 66 पदक जीते हैं, जिसमें गोल्ड है तुम्हारा आपका 26 है, सिल्वर है 20 और ब्रॉन्ज है 20। 21वें कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने किस खेल में सबसे ज्यादा पदक जीते? शूटिंग में सबसे ज्यादा पदक जीता है भारत ने। 21वें कॉमनवेल्थ गेम में भारत के किस राज्य ने सबसे अधिक पदक जीते? हरियाणा राज्य के खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। हरियाणा के बारे में हम कुछ जान भी लेते हैं, जैसे हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़ और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और वहां के गवर्नर राज्यपाल हैं कप्तान सिंह सोलंकी। 21वें कॉमनवेल्थ गेम में महिला टेबल टेनिस एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, तो कौन बनी है? पहली भारतीय महिला बनी है मनिका बत्रा। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत के सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? अनीस भनवाला है, जो कि मात्र 15 साल के युवा हैं और ये शूटर के खिलाड़ी हैं, शूटिंग से रिलेटेड है। कॉमनवेल्थ गेम में भारत की ओर से पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तो कॉमनवेल्थ गेम में भारत की ओर से पहला गोल्ड मेडल जीता है मीराबाई चानू ने जीता है, जो कि रहने वाली है मणिपुर की। 21वें कॉमनवेल्थ गेम में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, मतलब वो था वो जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था उसमें कह रहा था भारत की ओर से पहला मेडल, और ये पूरे कॉमनवेल्थ गेम में सबसे पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये है फ्लोरा डफी ने जीता है, जो कि बरमूडा की रहने वाली है। ठीक है, सॉरी। 21वें कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली मुक्केबाज बनी है मैरी कॉम बनी है। ठीक है, वह एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी जिसने राष्ट्रमंडल खेलों के बैडमिंटन एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, तो किसने जीता? सानिया नेहवाल ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत ने सबसे ज्यादा पदक किस कॉमनवेल्थ गेम में जीते? तो भारत ने
2010 दिल्ली में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें सबसे ज्यादा पदक जीता, 101 पदक जीता। किस खिलाड़ी ने लगातार 3 बार राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता? वो जीता है सुशील कुमार ने। सुशील कुमार ने 22वें कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ये किया जाएगा इंग्लैंड, इंग्लैंड के बर्निंघम में, बर्निंघम, बर्निंघम में। किस भारतीय ने भाला फेंक प्रतियोगिता जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता? यह जीता है नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा। ये कॉमनवेल्थ गेम 2018 से रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिस पर आज मैंने आपसे डिस्कस किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल एग्जाम अड्डा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।